भारत के लिए 1946 का कैबिनेट मिशन किसकी एक पहल थी ए स्टाफोड क्रिप्स बी पे वी सिकंदर सी क्लेमेंट एटली डी क्यूब गेट स्केल राइट भारत के संविधान को निम्न द्वारा अपनाया गया था ए गवर्नर जनरल बी ब्रिटिश संसद सी संविधान सभा डी भारत की संसद राइट right. अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई ए 6 दिसंबर 1946 बी 9 दिसंबर उन्नीस सी 20 फरवरी उन्नीस डी 3 जून उन्नीस सौ राइट जब 31 अक्टूबर उन्नीस को भारत के प्रभुत्व के लिए संविधान सभा फिर से संगठित हुई तो इसकी कम सदस्यता थी ए दो सौ निन्यानवे बी तीन सौ ग्यारह सी Teen saw so unnease. D. Teen so ictis. Right. निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ए. डॉक्टर बी एन राव बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर सी के एम मुंशी डी एम सी सेतलवाड राइट भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था डॉट ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस के तहत बी कैबिनेट मिशन योजना उन्नीस के तहत सी अनंतिम सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राइट संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया था जो इसमें स्थापित किया गया था ए उन्नीस बी उन्नीस सी उन्नीस डी उन्नीस राइट भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की ए सचिदानंद सिन्हा बी बी आर अम्बेडकर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी पी उपेंद्र राइट right. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ए राजेंद्र प्रसाद बी तेज बहादुर सपराव सी सी राजगोपालाचारी, डी बी आर अंबेडकर राइट right. संविधान सभा को संविधान को पारित करने में कितना समय लगा ए उन्नीस में लगभग छह महीने बी नवंबर 26, उन्नीस के ठीक एक साल बाद सी अगस्त 15, उन्नीस के बाद से लगभग दो साल डी 9 दिसंबर 1946 से लगभग तीन साल राइट right. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ए. जवाहरलाल नेहरू बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। राइट right. संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था ए कानपुर बी बॉम्बे सी लखनऊ डी लाहौर राइट right. संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा पहुंची ए बहुमत के मत से बी दो तिहाई बहुमत से सी सर्वसम्मति से डी सर्वसम्मति से राइट right. भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सबसे गहरा प्रभाव व्यायाम द्वारा पड़ा ए यू एस संविधान बी ब्रिटिश संविधान सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी फ्रांसीसी स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श राइट right. निम्नलिखित को मिलाएं संविधान सभा की समितियां ए मसौदा निम्नलिखित को मिलाएं संविधान सभा की समितियां ए मसौदा समिति बी मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति सी संघ की संविधान समिति डी कार्य समिति अध्यक्षों एक वल्लभ भाई पटेल दो जवाहरलाल नेहरू तीन कन्हैयालाल मुंशी चार बी आर डॉट ए ए वन बी टू सी थ्री डी फोर बी ए फोर बी टू सी वन डी थ्री सी ए फोर बी वन सी थ्री डी टू डी ए फोर बी वन सी टू डी थ्री राइट से कौन सा कथन सही है डॉट ए भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था बी जवाहरलाल नेहरू एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे सी भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी उन्नीस में आयोजित किया गया था डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था Right. निम्नलिखित को मिलाएं। मिलाए उन्नीस सौ 1947, बी चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास सी छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास डी बाईस मार्च उन्नीस सौ सत्तावन एक संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाना दो सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाना तीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाना चार संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना डॉट ए ए चार बी एक सी दो डी तीन बी ए तीन बी एक सी दो डी चार सी ए चार बी दो सी एक डी तीन डी ए दो बी एक सी तीन डी चार राइट निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है है? आई भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दो भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब तीन भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ एव भारत का राष्ट्रीय पक्षी एगल डॉट ए आई और एव बी आई टू और तीन सी दो तीन और एव डी आई और तीन राइट right. प्रिय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। डॉट ए जुलाई 1948 बी जुलाई 1950 सी जुलाई 1947 डी अगस्त 1947 राइट right. निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? एक प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था का परिचय दो मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनावी प्रस्ताव तीन केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार का विचलन चार केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन डॉट ए एक दो और तीन बी एक दो और चार। सी दो तीन और चार डी एक तीन और चार राइट खित में से कौन सा भारत के सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा साबित हुआ डॉट ए भारत सरकार अधिनियम 1919 बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909. सी पिट का भारत अधिनियम सत्रह सौ चौरासी डी भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ राइट निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया डॉट ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, सौ डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस सौ राइट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान को विश्व में सबसे बड़ा बनाने में योगदान नहीं करती हैं विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों पर विस्तार से विचार किया जाता है दो यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता है तीन इसमें सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता शामिल है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है इसमें न केवल मौलिक अधिकारों की सूची है बल्कि उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी हैं। डॉट ए आई और दो बी आई और एव सी दो और तीन डी दो तीन और एव राइट कौन सा कथन उद्देश्य संकल्प के बारे में सही नहीं है आई इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्थानांतरित किया था दो, इसने अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ अधिकारों का आह्वान किया तीन इसने मौलिक अधिकारों के अध्याय का आधार बनाया एव. इसने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना का आह्वान किया डॉट ए और दो, बी, आए, टू और तीन सी तीन और एब, D, केवल राइट right. निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गलत तरीके से मेल खाती है ए, दिसंबर नौ उन्नीस सौ संविधान सभा की पहली बैठक बी नवंबर 26 उन्नीस भारत के लोगों ने अपनाया अधिनियमित किया और खुद को संविधान दिया सी जनवरी 24, 1950 संविधान को आखिरकार संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया डी जनवरी 26, 1950 संविधान के प्रारंभ की तारीख राइट right.